आप कोर्ट के सामने है ना, अपनी कोर्ट के सामने कह सकते हैं, कोर्ट के हाथे में आपका काम सिर्फ सिक्योरिटी का है, इस तरह की ड्रामेबाजी का नहीं है। प्लीज माफ करें सर, सिक्योरिटी प्लीज माफ करें। जर्नलिस्ट हैं, लॉयर्स हैं, अदालत के कमरे के बाहर खड़े हैं, क्या कर रहे हैं आप? पुलिस में एसएचओ हैं आप, आपका काम नहीं है यहाँ पे, पूरा मन लोग खड़े हैं अदालत के बाहर। मैं यही आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप थोड़ा साइड पे हो जाए। साइड पे क्यों हो जाए, साइड पे कहाँ हो जाए? अली साहब जी, आज अदालत में इमरान रियाज खान को तकरीबन 42 घंटे बाद प्रोड्यूस किया गया है और उसके बाद उस पर डिस्चार्ज की प्रोसीडिंग हमने अदालत से कंटेस्ट की और पुलिस ने आज फिजिकल रिमांड की रिक्वेस्ट की है कि इमरान को चंद यौम के लिए जिस्मानी रिमांड पे भेजा जाए और हमारी अदालत से इस्तदा थी कि फौरी तौर पर इनको अदालत में डिस्चार्ज किया जाए। आपको बताते चलें कि ये जो प्रोसीडिंग आज की है, इससे पहले हाईलाइट करना जरूरी है कि कल से लाहौर इधर अब ले जाया जा रहा है और इसके बाद लाहौर करने के लिए तौर पर मैंने बताया कि सोने नहीं दिया गया, परेशान है सिर्फ इस बुनियाद पे कि ये सोने नहीं देते और ये मेंटल टॉर्चर और फिजिकल टॉर्चर के लिए जो लैक ऑफ स्लीप जो है वो इंसान की हेल्थ को डिटेरियरेट करती है। बाकी हौसले में है, मजबूत है, बावजूद इसके कि पुलिस से जो सा है वो कोई चीज़ ना उन्हें देती है और अब तो बल्कि इनके इस कंडक्ट की बेसिस पे उसने पुलिस की तरफ से कोई भी चीज़ पेश करता जो सा है उसको लेने से भी इनकार कर दिया है, क्योंकि इमरान खान के लिए उसको अदरवाइज जो सर्कमस्टांसिस डेवलप हो रहे हैं अब उसकी लाइफ सिक्योरिटी और उसकी सेफ्टी जो है वो भी कॉम्प्रोमाइज होने के हो सकती है या ब्रीच हो सकती है, जिसकी बेसिस पे अब वो ज़्यादा प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने पे आ गए। देखिए फैमिली से मुलाकात का जहाँ तक सवाल है तो पुलिस ने इतनी ज़्यादा टफ किस्म की सिक्योरिटी की हुई है कि जैसे खुदा न खास्ता पता नहीं कोई ऐसा शख्स है जिस पर कोई कत्ल का इल्ज़ाम है, दहशत गर्दी का इल्ज़ाम है, अगवा या बत्तेखोरी का इल्ज़ाम है, या ऐसा शख्स जो कि नाउन क्रिमिनल है, किसी नाउन क्रिमिनल के लिए जिन पे 100 मुकदमात दर्ज हैं इतनी सिक्योरिटी जो है वो नहीं रखी जाती जितनी कि इमरान रियाज खान के लिए। ये इसको सिक्योरिटी सिचुएशन का बहाना बना के जो है वो लेके आते हैं। आज आपने यहाँ पे देखा कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जो सारे प्रेसिडेंट थे, जनरल सेक्रेटरी और जो लोकल चकवाल के वकलात हैं, इन तक को अदालत में नहीं आने दिया गया और ये मजबूरन अदालतों के दरवाजे तोड़ के, अदालतों के जो प्राइमरी बाउंड्रीज हैं के दरवाजे तोड़ के जो है वो अदालत में आए और इन्होंने अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराया, जिस पर जज साहब ने वाजे तौर पर कहा है कि कोई अदालती हुक्म ना है जिसके तहत वकला को रोका जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको सिर्फ ये हाईलाइट कर रहा हूँ कि देखें लोकल बार के लॉयर्स को भी किस तरह संजीदगी से जोंस है और मीडिया को, आप लोग जो मीडिया के नुमाइंदे थे इनको भी जोंस है, मारा गया, तशद्दुद भी किया गया। अब इमरान साहब ने रिक्वेस्ट भी की थी जी, कोर्ट से रिक्वेस्ट भी किया कि मेरी ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, मेरे केसेस को रिपोर्ट करने के लिए, मैं खुद रिपोर्ट करता रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाइयां एज ए जर्नलिस्ट, तो मेरे केसेस को भी जो है रिपोर्ट करने का लोगों को हक है, जिस पे अदालत ने जो है पुलिस पे बरहमी का इजहार किया और कहा कि आपने क्यों रोका है वकला को और आपने क्यों रोका है मीडिया वालों को, इनको राइट दिया जाए। लेकिन इसके बावजूद भी अदालत के ऑर्डर्स को कोई भी शख्स यहाँ पे मनोहन तस्लीम नहीं कर रहा और जानबूझते हुए जो है ना इस तरह के संगीन हालात पैदा किए जा रहे हैं। थाने में भी कल उनके लॉयर को भी नहीं मिला।